और देखिए आज भाभी रिलायंस ज्वेलर्स में गई थी और यहाँ से शॉपिंग करके आई। तो भाभी जो नॉर्मल शॉप पे होती है, जो मतलब लोकल दुकानें होती हैं, और यहाँ पे मतलब शॉप करने में क्या डिफरेंस आपको नजर आया? जो चैन मैं नॉर्मल दुकान पे दिखाई थी तो उसने बोला कि ये चैन आपकी सिर्फ 32,000 की पड़ेगी और इसका सोना अच्छा नहीं है, इसमें टाके लगे हैं, ये लगे वो लगे हैं। एक्चुअली मैं NTPC के गेट पे जो दुकान है वहीं शॉपिंग करती थी, लेकिन जो चैन मैं अपना यहाँ लेकर आई और इन्होंने पहले तपाया पाया, फिर उसके बाद देखा कि भाई चैन 21 कैरेट की थी और वो चैन इस समय पड़ी 47,000 की। उन्होंने पूरा मतलब जितना एक्चुअल वेट था पूरा उन्होंने 100% वापस किया है। 100% वापस किया है। और वहाँ पे जो लोकल दुकान वाले थे वो 18 कैरेट का बता रहे थे, उसके बाद भी रेट भी ज्यादा ले रहे थे, मेकिंग चार्ज बता नहीं रहे कि कहाँ से कितना पैसा ले रहे हैं। अच्छा, बस वो जोड़ रहा है कि 15% तो तनिष्क वाला भी लेता है तो हम भी लेंगे। अच्छा। मतलब क्लियर नहीं बताएगा लेकिन आपसे पैसे ले लेगा। तो अगर आपके पास अगर आपका लेने का बहुत मन है पैसे जमा करते जाइए, आप पैसे ही शॉप से शॉपिंग करिए और छोटी मोटी दुकानों में ना जाइए, वहाँ पे आपको ना तो सोना सही मिलेगा ना कुछ, आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा। तो प्लीज अगर आपके पास पैसा है तो आप शॉपिंग रिलायंस चैन से कर सकते हैं, तनिष्क से कर सकते हैं। हाँ मान लीजिए कहीं लोकल से ले रहे हैं तब भी, चाहे यहाँ पे लेंगे पैसा आपको गोल्ड में उतना ही लगेगा एंड मेकिंग चार्ज तो चाहे गांव में लीजिए चाहे यहाँ पे लीजिए, मेकिंग चार्ज में बहुत 19-20 का फर्क होता है। यहाँ का ये रहता है कि आपको हर चीज इतना क्लीन तरीके से दिखाया जाएगा, आप कोई चीज अगर आपके मन में डाउट है आप 10 बार पूछेंगे तो वो 10 बार आपका डाउट क्लियर करेगा। और अदर्स दुकान पर अगर आप जाते हैं अगर वहाँ 2 बार पूछेंगे तीसरी बार दुकानदार फिर जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत क्लीन तरीके से काम होता है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और हमने आगे फ्यूचर के लिए भी की शादी होगी या घर में कोई और शादी होगी तो हम सारी शॉपिंग यहीं से करने वाले हैं। और यहाँ पे स्कीम भी दी गई है कि हर महीने आप 5,000-2,000 जमा करते जाइए, फिर आपको साल भर में कितना उसका कुछ लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से स्कीम उन्होंने बताया, तो वो भी हमने कर लिया है। तो बेस्ट है ये।